गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न और उत्तर का अभ्यास कराने जा रहा हूँ, जो उत्कर्ष हिंदी पाठमाला से लिया गया है। यह वीडियो वर्ग 6 के लिए हैं, जो पाठ 5, पाठ का नाम अनोखी हड्डी। तो अब मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न और उत्तर को स्पष्ट कर देने जा रहा हूँ। जो आपके बुक में पाठ चर्चा जो है मौखिक हैं, उसको सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है, महाराज कहाँ गए थे और वे रास्ते क्यों भूले? उत्तर, महाराज अपने मित्रों के साथ अपने राज्य के उत्तरी पर्वतों पर आखेट यानी शिकार करने गए थे। एक हिरण का पीछा करते हुए रास्ते भूल गए। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, महाराज किस अपमान को सहन न कर सके? तो उत्तर, जब वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपनी हड्डी को वापस लेता हूं, शायद आपके पास इस हड्डी के बराबर सोना दान के लिए नहीं है। महाराज इस अपमान को सहन न कर सके। नेक्स्ट प्रश्न, वृद्ध ने महाराज से क्या मांगा? तो वृद्ध ने हड्डी के वजन के बराबर सोना महाराज से मांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाई का अंत कैसे हुआ? तो वृद्ध द्वारा कहा गया कि यह कामना की हड्डी है, इसकी वजन कभी घटती नहीं। इसी पर महाराज विचलित हो गए और लड़ाई का अंत हुआ। अब लिखित प्रश्न किया है, जो पहला नंबर, महाराज की रुचि किसमें थी? तो महाराज की रुचि आखेट, जिसको हिरण शिकार कहते हैं, आखेट का अर्थ ही है शिकार करना। तो महाराज की रुचि आखेट करने में थी, यानी शिकार करने में थी। नेक्स्ट प्रश्न किया गया है, सेकंड नंबर, वृद्ध किस उद्देश्य से मिलने आया था? तो वृद्ध महाराज के अहंकार, लोभ, भ्रम से अवगत कराने के उद्देश्य से आया था। नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रश्न किया गया है, पशु पक्षी वापस क्यों लौटने लगे थे? तो पशु पक्षी वापस लौटने लगे थे क्योंकि महाराज उदयगिरी की सेनाएं लौट गए थे। अब ध्यान से प्रश्न किया गया है, जो आपके बुक में है, मैं उस प्रश्नों को स्पष्ट कर दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, विचलित होने पर महाराज ने क्या किया? तो विचलित होने पर महाराज चुपचाप शिविर के बाहर निकलकर झील के सामने आ खड़े हुए। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न किया गया है, बाणों की वर्षा अभी उसी वेग से चल रही थी, अर्थ स्पष्ट करना। तो उत्तर, जिस वेग से पहले बाणों की वर्षा हो रही थी, उसी वेग से अब भी बाणों की वर्षा चल रही थी। जिस प्रकार झील का पानी अभी लाल हो रहा था। नेक्स्ट थर्ड नंबर, झील का पानी लाल होने का क्या अर्थ है? तो झील का पानी लाल होने का अर्थ है कि बाणों की वर्षा अभी भी उसी वेग से चल रही है। अब नेक्स्ट अधिकतम शब्दों में उत्तर लिखना है, जो प्रश्न पहला किया गया है, महाराज क्यों पुलकित हो उठे? तो उत्तर, हिरण को अचानक देखते ही महाराज पुलकित हो उठे। नेक्स्ट प्रश्न किया गया है, मछुआरों के विषय में पाठ से क्या जानकारी मिलती है? तो उत्तर, मछुआरों के विषय में पाठ से जानकारी मिलती है कि मछुआरे लोग मछलियां पकड़कर
अपना निर्वाह करते हैं। वे छोटा सा उनका छोटा सा स्वाधीन देश है और उस देश में वे लोग रहते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, महाराज की सेना मछुआरों को क्यों न हरा सकी? तो हथियार नहीं डालने की वजह से महाराज की सेना मछुआरों को न हरा सकी। नेक्स्ट फोर नंबर में, अनोखी हड्डी शीर्षक के अतिरिक्त पाठ के अन्य दो शीर्षक सुझाइए। तो आप लिख सकते हैं अनूठा हड्डी, निराला हड्डी, अनूठा हड्डी या निराला हड्डी आप उत्तर में लिख सकते हैं। अब फाइव प्रश्न, पाठ के आधार पर महाराज उदयगिरी का चारित्रिक विशेषताएं लिखी। तो उदयगिरी का शाब्दिक अर्थ होता है वह पर्वत जिस पर सूर्य उदित होता है। महाराज कई राज्यों पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य कायम किए थे। अहंकारी लोभी होने के साथ साथ दानी भी थे। और भी आप चारित्रिक विशेषताएं में लिख सकते हैं। अब समझाने के लिए प्रश्न किया गया है। पहला नंबर, याचक का प्रार्थना भले ही छोटी हो पर दानी के दान में उदारता होनी चाहिए। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। याचक का शाब्दिक अर्थ भिक्षुक, भिखारी, मांगने वाला, आर्थी होता है और उदारता का अर्थ दयालुता, दानशीलता होता है। इन पंक्तियों से या उपरोक्त पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि याचक यानी मांगने वाला छोटा ही वस्तु क्यों न मांगे, लेकिन जो दानी व्यक्ति के अंदर दान में दयालुता जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड नंबर में, यह कामना का हड्डी है महाराज, इसकी प्यास सदा ही बढ़ती है, क्या बुझती नहीं, कभी बुझती नहीं? तो अर्थ इस तरह से आप लिख सकते हैं, कामना की हड्डी का अर्थ अभिलाषा, वांछा की हड्डी। कामना का अर्थ होता है मन का यह भाव कि अमुक काम इस रूप में हो जाए अथवा अमुक वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। उपरोक्त पंक्ति से स्पष्ट होता है कि यह सामान्य हड्डी नहीं है, इसकी तुलना सामान्य हड्डी से नहीं की जा सकती। अब मूल्याधारित प्रश्न, इसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, लेकिन मैं तीनों प्रश्नों को स्पष्ट कर दे रहा हूँ। पहला प्रश्न, देशों के बीच युद्ध क्यों होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो मेरे अनुसार उत्तर, जाति धर्म सीमा विवाद, जल विवाद और आतंक विवाद के कारण देशों के बीच युद्ध होते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का केंद्र कश्मीर था। नेक्स्ट प्रश्न, क्या आशा इच्छा कामना होना गलत है, अपने विचार लिखिए। तो उत्तर इस तरह से, नहीं, आशा इच्छा कामना होना ही जीवन है। मनुष्य को अपना सुखी जीवन जीने के लिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में रात और दिन की तरह आशा और निराशा के क्षण आते जाते रहते हैं। आशा जहाँ जीवन में संजीवनी शक्ति का संचार करती है, वह निराशा मन को पतन की तरफ ले जाती है। कार्य कैसा भी हो, यदि मनुष्य आशा और उत्साह के साथ करेगा तो पूरा होगा, और यदि आशा और उत्साह की कमी है तो असफलता ही हाथ लगेगी। आशा ही विजय, सफलता, सुख और आनंद सब कुछ दिलाती। नेक्स्ट थर्ड नंबर, युद्ध हो ही ना, क्या यह संभव है, अपनी मत स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, जैसा कि मैं अपने अनुभव के अनुसार स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प हो तो उस विकल्प पर ईमानदारी से समंजन कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी युद्ध ने
आज तक इंसानियत का झंडा नहीं लहराया। युद्ध किसी भी समस्या का ना तो हल है और न ही विकल्प। जैसे भारत पाकिस्तान में कश्मीर के लेकर 3 बार युद्ध हो चुका, लेकिन समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है। तो मैंने इस वीडियो के द्वारा प्रश्न और उत्तर को स्पष्ट किया। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब करके नीचे जो बेल का घंटी है उसको क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।